Gobbiz. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल Gobbiz। आज इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कौन से वो कॉमन ग्राउंड होते हैं, यानी कि कौन से वो केसेस होते हैं जिन केसेस में हमें ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है या जरूरत पड़ती है। हम ये भी जानेंगे कि हम ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और इसके अलावा क्या वो प्रोसीजर है जिस तरह से जो हमारी जो मिस्टेक अराइज हुई है, जो एरर है, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है ताकि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो प्रॉपरली रजिस्टर हो जाए। और अंत में दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर की, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन। ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन एक तरह का लीगल प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के माध्यम से जो भी गलतियां हमारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दौरान गई हैं उसको सही करने का एक मौका हमें मिलता है, यानी कि कोई भी एरर है उसको हम करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ताकि आगे कोई गलती ना जा सके और हमारा जो ट्रेडमार्क है वो सही और सही रूप में रजिस्टर्ड हो सके। तो बेसिकली ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन ये होता है कि ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसमें किसी भी तरह का चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, ऑल्ट्रेशन करना और उसे रेक्टिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल मानिए कोई भी एप्लीकेंट है, उसने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा दिया है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अंदाजा हो रहा है कि कुछ एरर गई है या वो एड्रेस में एरर हो सकती है, डिटेल्स में हो सकती है, क्लास में। तो उस दौरान एप्लीकेंट को या रजिस्टर प्रोप्राइटर है रजिस्टर ट्रेडमार्क का, उसे उस दौरान लग रहा है कि कोई गलती गई है रजिस्टर ट्रेडमार्क में, तो उस गलती को सुधारने का मौका उसको दिया जाता है, यानी कि एप्लीकेंट को मिलता है। और किस प्रोसेस में? ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन के माध्यम से वो अपनी गलती सुधारता है और जो ट्रेडमार्क है वो सही तरीके से रजिस्टर्ड होता है। कॉमन ग्राउंड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन किस केसेस में होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें अराइज हो गई हैं जो हमें अपने ट्रेडमार्क को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है और किस तरह से वो रेक्टिफाई करके आगे प्रोसीड होती है। तो पहला केस तो ये होता है अगर जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको हमने 5 साल तक यूज नहीं किया गया है, तो उस केस में हमें अपने ट्रेडमार्क को रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर हमारा ट्रेडमार्क है वो रिन्यू नहीं हुआ है टाइमली, या फिर उसकी जो रिन्यूअल फीस है वो हमने पे नहीं की है, तो उस केस में भी हमने अपने ट्रेडमार्क को रेक्टिफाई कराना होगा। तीसरा केस ये आता है कि अगर जो थर्ड पार्टी है उसका जो ट्रेडमार्क का लोगो है वो हमारे ट्रेडमार्क के लोगो से मैच करता, तो उस केस में ऑब्जेक्शन रेज होता है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि अपने ट्रेडमार्क को रेक्टिफाई कराना होता है। और एक केस ये भी अराइज होता है कि अथॉरिटी जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन फील हो रहा है तो वो एक नोटिस जारी करती है और रेक्टिफिकेशन के लिए कि हमारा जो ट्रेडमार्क है उसको रेक्टिफाई समय पे किया जाए। इसके अलावा ट्रेडमार्क रेक्टिफाई उन केसेस में होता है कि अगर जो हमने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो उसमें कुछ एरर है, उसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, जैसे जो हमारा एड्रेस जा रहा है उसमें कुछ गलत एड्रेस हमने दे दिया, या फिर जो हमारा क्लास है, डिस्क्रिप्शन है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें अगर कोई गलती हमसे हो गई तो उस केस में जो ट्रेडमार्क है उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है। How to avoid trademark rectification? अब हम बात करेंगे कि जो हम ट्रेडमार्क रेक्टिफाई कराने जा रहे हैं उसकी नौबत ही क्यों आने दें, यानी कि हम ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कौन सी चीज़ है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमें जो आगे का फर्दर प्रोसीजर है यानी कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन का उस तक जाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टाइमली जो आपका ट्रेडमार्क है उसको रिन्यू कराना होगा, यानी कि जो समय दिया गया है उसको समय के अनुसार रिन्यू कराना होगा, रिन्यूअल फीस पे करनी होगी, जो ट्रेडमार्क रजिस्टर आपने लिया है उसका आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि आप यूज नहीं करेंगे तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए मांगेगा। इसके अलावा जो आप डिटेल फिल कर रहे हैं यानी कि एड्रेस, अपना नाम, इसके अलावा जो क्लास है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिटेल आपको बहुत सही लिखनी होगी ताकि कोई एरर अराइज ना हो, ताकि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो चीज आगे ना बढ़े। प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑल्ट्रेशन। तो दोस्तों अब समय आ गया है प्रोसीजर के बारे में बात करने का, यानी कि अगर आप ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कौन सा वो प्रोसीजर है जिसको आपको अप्लाई करना होगा, वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना हो, कौन से वो फॉर्म है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर जो ऑब्जेक्शन है वो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से आया है तो उस केस में आपको TMO एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा स्टेटमेंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ पूरे फैक्ट को दिखाते हुए, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वो फॉर्म ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को देना होगा।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगी और रजिस्टर प्रोप्राइटर को देगी क्लैरिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए, और समय सीमा होगी 1 महीना। उसके बाद रजिस्टर प्रोप्राइटर होगा, वो एप्लीकेशन को रिसीव करेगा और आंसर करेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को 2 महीने के अंदर विद अ काउंटर स्टेटमेंट, यानी कि अपना जवाब देते हुए कौन से फॉर्म में, TMO एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके बाद रजिस्ट्रार काउंटर स्टेटमेंट की कॉपी उस पर्सन को देगा जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी। अगर कोई काउंटर स्टेटमेंट 3 महीने के अंदर अपोजिशन पार्टी की तरफ से नहीं आता है तो उस केस में हमारा जो ट्रेडमार्क होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। देखिए अब बात आती है कि हमारा जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, जो हमारा एप्लीकेंट है, अगर वो अपनी जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करना होता तो उस केस में उसे जो फॉर्म फिल करना होता है वो होता है TMP। और अगर रेक्टिफिकेशन की जो बात आती है, नोटिस जारी की जाती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से, तब उस केस में जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो एक नोटिस सर्व करती है रजिस्टर प्रोप्राइटर को या फिर एप्लीकेंट को जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो अब एक नजर डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी लेटर की जरूरत पड़ेगी, एक एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये पता होगा कि ट्रेडमार्क का यूसेज कैसे है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, ट्रेडमार्क हेयरिंग नोटिस जो एप्लीकेंट ने रिसीव की है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ये शो करता है कि ट्रेडमार्क का बिजनेस में क्या यूज है, और इसके अलावा प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं कि ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन की सारी जानकारी तो आपको मिल गई होगी। भविष्य में अगर आप ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म जो कि कॉर्बिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको फिल करना होगा। जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे एक कॉल कॉर्बिस की टीम की तरफ से आपके पास जाएगी और आपका काम बेहतर और आसान तरीके से हो जाएगा।